आर्यन मोटिवेशनल स्पीकर से मैं राम रहा। दोस्तों आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है? जब कोई मामला सिविल प्रकृति का होता है तो हम सिविल जज के पास जाते हैं, पर अगर मैटर क्रिमिनल प्रकृति का है तो हम मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। अधिकार अनुतोष और क्षतिपूर्ति की मांग जब की जाती है तो हम सिविल जज के पास जाते हैं, पर अगर दंड की मांग की जाती है तो दंडाधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 9 में कौन से मामले सिविल प्रकृति के होंगे इसके बारे में बताया गया है। दोस्तों ये तो बात रही अधीनस्थ न्यायालयों की, पर जब हम ऊपरी अदालतों में जाते हैं तो अगर मामला सिविल प्रकृति का है तो उसे जिला जज देखते हैं, पर अगर मामला क्रिमिनल प्रकृति का है तो उसे सत्र न्यायाधीश द्वारा देखा जाता है। यहाँ पर दोनों जज कहलाते हैं, पर अगर बात इससे भी ऊपर जाती है हाई कोर्ट तो वहाँ पर न्यायमूर्ति होते हैं। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।